वजह यह है लग्जरी वैनिटी जिसकी जो कीमत होती है वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और ये कोई बस नहीं है दोस्तों, ये है एक चलता फिरता घर, वो भी लग्जरी वाला। इसको अक्सर सेलिब्रिटीज यूज करते हैं अपने शूट्स वगैरह पे, जहां पर होटल दूर होता है तो वहां पर ये देता है एक लग्जरी वाला फील, और इसके अंदर जो आराम से रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज हम इस वैरायटी के अंदर करने वाले हैं 24 आवर चैलेंज। लेकिन गाइस ये जो चैलेंज है ये इतना इजी नहीं होने वाला है, इसमें हमें कई दिक्कतें भी आ सकती है, क्योंकि जब ये वैरायटी रोड पर चलती है तो इसके अंदर पावर नहीं रहती है। तो क्या हम ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको वैरायटी भी दिखाएंगे कि अंदर से कैसे दिखती है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर सर्विसेज और सुविधाएं मिलती हैं। तो बड़ा वीडियो शुरू करते हैं, सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों इस चैलेंज में हम 4 लोग रहने वाले, एक मैं हूं, 3 लोग यहां पर ये खड़े हैं। सबसे पहले आपको बस दिखा देते हैं कि जो वैनिटी है वो बाहर से कैसी दिखती है। भाई इसके लुक से ही समझ में आता है कि ये जो है नॉर्मल बस तो नहीं, कुछ अलग चीज है। सामने से अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल बस की तरह ही आपको दिखेगी। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी बिजली की जरूरत पड़ती है जो कि उस मशीन से मिलती है। एसी वगैरह, बाथरूम, रूम, सोफा वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो अब अंदर चलते हैं, चैलेंज स्टार्ट करते हैं, इस वाले गेट से घुसते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चलो चलो अंदर चलो। और भाई हमारा जो टाइम जो है वो स्टार्ट होता है अब। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वैनिटी के अंदर, और भाई ये जो है सोचो ये उसी बस के अंदर का माहौल है भाई। वाह, पूरा का पूरा कमरा है। अगर इधर आता हूँ तो देखो भाई ये सोफा सेट है पूरा, और एसी चल रही है ऊपर से, और यहाँ से लॉक कर दिया गया इसको। ऐसा लगता है कि रूम है प्रॉपर होटल का, 5-स्टार होटल का रूम है। यहाँ पर एक चेयर भी है जिसमें बैठ सकते हैं। अबे साले, अरे बाल काटने का थोड़ी है, ये मेकअप का है। अभी तुम लोग इतना खुश हो रहे हो, इतना इजी नहीं है, 24 घंटे रहना इसके अंदर 24 आवर। अरे यार रुक जाओ यार, 1 मिनट हुई आए हुए। तो गाइज हम लोग वैनिटी के अंदर आ चुके हैं, और पता दिक्कत कब आएगी, हमको कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी चाहिए या कुछ भी करना तो बस को चलाना पड़ेगा वैनिटी को, और तब जाकर के इसकी पावर कट हो जाएगी भाई। बस लगी नहीं रही कि अपन एक बस में बैठे। हाँ कहीं से बस नहीं लग रही। चल झूठा यार, यहाँ पे पावर आती है देखो, यहाँ पे ये है, इसमें ऐसे चार्जर वार्जर लगा लो, स्विच है प्रॉपर, कोई सेंसर्स बात नहीं। ये वाली जो लाइट है इससे बंद होती है भाई, ये देखो ये वैनिटी फिल्म फेयर वालों के पास थी अभी 2024 फिल्म फेयर अवार्ड में। यार इसमें ये रूम बड़ा है ये छोटा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा ही है भाई। इसमें कितनी चीजें हैं यार, ये अलमारियां हैं, ये लॉक्ड है क्या, ये क्या है भाई? ओ भाई, अरे अरे बाथरूम टॉयलेट है इसमें। अच्छा हाँ बाथरूम है वो। अरे ओए विकास बंद तो कर ले यार, बहुत ज्यादा लग्जरी वाला माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे कर सकते हैं अपन टॉयलेट, यहाँ पे नहा सकते हैं, यहाँ पे हाथ धो सकते हैं। और भाई यहाँ पर देखो खिड़की से हम लोग बाहर भी देख सकते हैं। भाई हम लोगों को वैनिटी में आए हुए 1/2 घंटा हो चुका है, और अब हम लोग बोर से हो गए इसके अंदर। हालांकि चीज सारी लग्जरी लेकिन कुछ करने को नहीं हमारे पास में, तो मैं सोच रहा हूँ कि तब तक आपको एक बार वैनिटी का टूर दे देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर है। भाई अभी मैं आपको पूरी वैनिटी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सोचो आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे और आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो। सोचने में मुश्किल लग सकता है लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ, पॉकेट ब्रोकर से। भाई पॉकेट ब्रोकर पर आप ट्रेड्स बना सकते हो, सक्सेसफुल डील्स कर सकते हो, लॉट मोर। और भाई पॉकेट ब्रोकर पर आपको लगता होगा कि ट्रेडिंग करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो भाई पॉकेट ब्रोकर ने चीजें बहुत ही आसान बना दी है। आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हो, आपको अपने डेमो अकाउंट में $50,000 मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो सिंपली जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं उनकी ट्रेड्स को कॉपी कर लो। और सबसे अच्छी बात, अगर आप मेरा कूपन कोड क्रेजी यूज करेंगे तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 60% का बोनस भी मिलेगा। तो भाई जरूर से चेकआउट कीजिए पॉकेट ब्रोकर को। भाई मैं तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, इस चैलेंज के बाद में मैं जाऊंगा पॉकेट ब्रोकर पर और करूंगा ट्रेडिंग, आप लोग भी कर लीजिए। 2 कंपार्टमेंट्स है बेसिकली, अभी आप दूसरे कंपार्टमेंट में हो, अभी हम दूसरे में आ गए हैं इधर पे। उसमें अलग एसी लगा है, इसमें अलग एयर कंडीशनर लगा है फुल साइज वाला। नीचे ये जो है भाई ये आई गेस टेबल है, ये ऐसे करके खड़ा हो जाता है, एक बड़ा सा मिरर है देखने के लिए। तो ये है इस वैनिटी के अंदर, एक डस्टबिन भी है कचरा डालने के लिए। तो कुल मिला के सारी चीजें जो किसी को भी चाहिए है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। इनको चलवा लेते हैं, थोड़ा टाइम पास तो हो जाएगा। इनकी शक्ल, दोनों की शक्ल देख के बोर हो गया मैं। गाइस वो लोग हैं इस बस के अंदर और मैं हूँ बिल्कुल फ्री, मैं अंदर जा सकता हूँ और बाहर भी आ सकता हूँ। अरे यार इसको घुमा लेते हैं यार थोड़ा सा, नहीं तो नींद आ जाएगी ऐसे यार। किसको बोले हम अंदर से, वैनिटी को चला दो यार। वैनिटी को चलाना है भैया, पता नहीं सो रहे हैं भैया अभी। अक्सर क्या करते हैं वैनिटी को एक जगह खड़ा कर देते हैं और बस उसके बाद जेन सेट चल रहा है, चले जा रहा है, एक जगह खड़ी रहती है। लेकिन हम इनको थोड़ी पता है ये वैनिटी
चलेगी भाई। जो बस है वो स्टार्ट हो चुकी है, जेनसेट हट चुका है, जो जनरेटर है, और अब सिर्फ ये वाली लाइट बची है भाई जो अंदर। हाँ एक बात बताओ, भाभी सूसु करके आया हूँ, वो नीचे गिरता है डायरेक्ट या इसमें स्टोर होता है? नहीं नीचे गिरता है वो तो सर। वो न्यूटन ने यही तो देखा था कि उसका नीचे गिरा था वो अंगूर, अंगूर के पेड़ से अंगूर गिरा था। अमरूद अमरूद तो चल गई भाई 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 भाई, फिलहाल जो वैरायटी है वो चल रही है भाई। न्यूटन के सर पे क्या गिरा था जिससे उसने वो नियम दिया था? मोटा वाला अंगूर आता है वो उसके सर पे गिरा था, आराम रंग का। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैंने पढ़ लिया सब। अरे गिया की बेल, गिया की बेल होती है यार, गिया की बेल होती है। अंगूर गिरा था, अंगूर गिरा था, अंगूर की बेल होती है, अंगूर का पेड़ होता है, बेल अंगूर गिरा था, बेल गिरा था, बड़ा वाला आलू गिरा था, मोटा वाला बेल होता है। अरे अंगूर भाई कमेंट में बताओ, खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब जो वैनिटी है वो चल रही है और जनरेटर आ वो पूरा घर चल रहा है मेरा। एक चलते फिरते 5-स्टार लग्जरी घर के अंदर हम लोग चल रहे हैं भाई। हमको इसमें आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब तक बहुत बोरिंग हो चुका था, अब वापस से मजा आने लग गया भाई। भाई हमने ये बोला है कि किसी चाय की टपरी के आसपास में रोकने के लिए, इस पे देखूंगा। रुको भाई, चाय तो है पर वो पीछे है वहाँ पे। भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा सा फीवर सा लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं ले रहा हूँ अभी फर्स्ट एड किट में से कुछ दवाइयाँ, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और फिट्रोडिन। ताऊ जी राम राम, चाय बना दोगे? ताऊ जी 5 चाय कर दो प्लीज। भाई चाय मिल जाएगी तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। राम राम, ताऊ जी घर कैसा है हमारा? ठीक है आपका? ताऊ बिल्कुल बढ़िया ही है, बना ले भाई मेरा वाला काम। धन्यवाद भाई, बिल्कुल रामधन टी स्टॉल भाई, जिसको बढ़िया चाय पीनी है ताऊ जी के पास आके मस्ती चाय पी सकते हो। और अब जो बस है वो भाई वो फिर से चल चुकी है, वो गया वो गया वो गया वो गया। भाई इसमें पता इतना हिलता है, अंकित देखो कैमरा चला रहा है कैसे करके, और अभी विकास बाहर जा चुका है जो कैमरा चला रहा था, अभी हम लोग भी अंदर रह गए। तो ये मोहित लाइट लेके खड़ा है, अंकित कैमरा चला रहा है, सचिन वहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे मोहित बंदी कर दे यार उसको, कैसे जा रहा है मोहित भाई गेट बंद करने, देखो कैसे जा रहा है कैसे बंद कर रहा है। अरे गिर मत जाना, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और वो लोग मिल रहे हैं अंदर, वो कह रहा है मेरे को शॉट लेना है, वो कह रहा है सूसू करना है। एक काम करो, पहले इसको करने दो, इसका शॉट लो फिर आप। इस तरीके से एक इंसान जो है वो सूसू करता है, सूसू नहीं यार, इसके शॉट ले रहा है। अरे ये यार मैं ले रहा इनका शॉट लेता हूं, मैं ले रहा हूं उसकी भाई। ये वो किया चलती में सुसु हो तो गया तेरा, पूरा कर दिया रुकी हुई में गंदा आदमी है ये लोडा। बस अभी खड़ी है, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला, आप लोग देख सकते हो बाहर का माहौल। मैं खुद यहाँ पर पड़ा हूँ और मैं और अंकित तो इस सोफा के ऊपर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और 2 लोग उधर वाले सेक्शन में चले गए हैं। अब भाई फिर से जो वैनिटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। गाइस ये लोग यहाँ पे सो गए हैं भाई, अब मैं कहाँ पे सोऊं? ये मोहित है, ये पता नहीं क्या कर रहा है फोन में। बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। दोस्तों हमको इस चैलेंज में 6 घंटे हो चुके हैं। ओ भाई भाई यहाँ पर रोड है और ये बिल्डिंग्स देखो भाई, भूख लग गई यार। अगर यहाँ ऑर्डर करें अपन पहुंचेगा खाना? बर्गर या पिज्जा चेक करो भाई, डोमिनोज से कुछ मंगाने की कोशिश करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे आ पाता है नहीं। और लोकेशन अपने आप उठा ली भाई, मैंने पिज्जा वीजा ऐड कर दिए। कोई एक्टर का नाम बताओ, बड़े खतरनाक वैनिटी में तो आते ही हैं वैसे भी। लेट्स गो बिल्डिंग फ्लैट हाउस, भाई नाम डाल रहा हूँ मैं इसमें, रणबीर कपूर तेरी तो उसमें मिलती है, वो पुराने फिल्मों में नहीं आता था मिथुन खुल्ला हो गया, सिट बैक एंड रिलैक्स।
A few inches later. गाइस कॉल आ रही है. हेलो सर, मैं बाहर खड़ा हूँ. बस दिख रही है, एक बड़ी सी बस, ग्रे कलर की. अच्छा, वो बाहर डिग्गी डिग्गी सर. भाई साहब, हमारा क्या एक दिक्कत है हमारे साथ में, हम बाहर नहीं आ सकते. वीडियो आई है मेरी सर. क्यों नहीं भाई साहब, अब बिल्कुल आएगी आपकी वीडियो. तो भाई ये है अपने पिज्जास. अंदर आपने सोचा कि अंदर ऐसा होगा माहौल? आपको खाना है तो आप भी खा सकते हो हमारे साथ. भाई यार खा के जाओ यार. लो जी, थैंक यू वेरी मच. आप बड़ा मेहनत करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. भाई साहब ये आपके लिए. अरे नहीं सर. भाई साहब प्लीज, छोटा सा आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. ये हमारा चैनल है जी सर, इसके ऊपर वीडियो आएगी, आपकी वीडियो आ जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी आपको. नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर. भाई पिज्जा तो आ चुके हैं. भाई पहली बार नीचे तो इसमें बैठ गए हैं और अब जो है इसमें डालते हैं अपनी चिल्ली बिल्ली. अरे यार मतलब स्पाइस स्पाइस यार. और भाई खाना पीना हो चुका है और अब जो है थोड़ी संतुष्टि हो गई है. सुने, अरे कोई बाहर कोई है, देखना कौन है, खटखटा रहे बाहर गेट कोई. भाई अरे इसको खुद कोई गेट नहीं खोलना आता. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. अरे भाई अभी तो मिले थे अपन थोड़ी देर पहले यार. हम तो इनको पिज्जा खिला रहे थे यार, ये तो आए नहीं. अरे बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो आ जाओ, बैठो बैठो. क्या नाम है आपका भाई? मेरा अमित है. अमित है आपका नाम? अरे क्या बात है. और आपका भाई, आपका नाम नहीं पूछा था हमने. अपन यही बात कर रहे थे कि नाम नहीं पूछा. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. इन्होंने बताया था कि मैं यूट्यूबर से मिलकर आया हूँ. फिर मैंने बोला अगर मैं तो इनकी बहुत वीडियो देखता हूँ. मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, वो बर्फ की सिल्ली वाली जो आप नाम नाम देती है, सारी वीडियो देखी. थैंक यू वेरी मच भाई. ले लो भाई प्लीज फोटो ले लो, इनको फोन दे दो. ओके भाई, थैंक यू वेरी मच. ओके भाई खा पी के अब जो है फिर से आलस आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि रात हो गई है तो एक बार शहर घूम लें तो मजा आ जाएगा इसमें. ओ नादान परिंदे बाहर आ जा. भाई साहब ना कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई साहब. भाई साहब यार इतनी दिक्कत नहीं है. भाई साहब मेकअप कराओगे? ये करता है क्यों, करवा लो यार. नहीं भाई साहब, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. चोरी चारी के नाम तो साथ में चोरी रखा था ना. क्या सोच है रे तेरी. क्या दुख है भाई? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. ये बताओ हमें कैसे पता कि एक ही है आपकी? कैसे चोरी चारी सेट? हाँ अरे यार सेटिंग सेटिंग तो जिंदगी में बहुत करी. अरे ये 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 बात है देखो. अब बैठ के बात करते हैं, इधर बैठो भाई. जो भी दिल की बात है, जो भी लड़की को बोलना है बोल दो. और आपकी ऐसे होनी चाहिए नजर, ऐसे चेहरे का सक्सेस ऐसे बोलो. कर रखी है भाई साहब. भाई साहब पूरी सब्सक्राइब कर भाई ने कह दिया कि यार लड़कियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा. भाई लड़कियों सब्सक्राइब करो, नहीं कर रखा ना तो बच्चे लोग सब सब्सक्राइब कर लो अभी. एक दो तीन ना 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 वाला भाई साहब थोड़ा हिलो यार, मैं अभी देख ले यार. भाई साहब बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और आपकी मन मसरत सब कुछ पूरा हो जाए भाई साहब. ठीक है भाई साहब. भाई साहब कितने हुए चाय के ये बताओ आपके? हंड्रेड हो गए आपके. ये लो ना 400 वापस मत दो, आपके ही हैं. भाई अब हमने बस को फिर से स्टार्ट करवा दिया है, इसलिए ये वाली लाइटें चली गई हैं, इसी वजह से सब बंद हो गया, क्योंकि अब हमारा मन कर रहा है कि सिटी के नज़ारे लेने का. तो अभी तो हम लोग यहीं खड़े हैं, लेकिन अब जाएंगे यहाँ से और घूमेंगे जयपुर शहर में और रात को देखेंगे नज़ारे अपने इस लग्जरी घर में बैठे बैठे ऐसे. अभी फिलहाल अरे बस चल तो ले दो कम से कम. ब्रेक लग जाते हैं भाई. भाई इसमें खड़े रहना रिस्की है, इससे बढ़िया अपन उधर ही चलते हैं, तुम गाते रहो अपना. भाई ये है हवा महल. भाई साहब तगड़ी तगड़ी है ना. मार्बल लगवा रखा है पे और बेटा
दो कितने के हुए बताओ। चलो भाई 500 रुपए दे देते हैं। लो ये लो ठीक है। अब हमें देखो यार इनके देख रहा हूं देख भाई किन ना देख रहा हूं। पहली बार कोई हवा महल को छोड़ के गाड़ी देख रहा है। हवाई हवा आ रही है मेरे पास। हवाई हवा वाह यार ओए टूट गया। हां क्या मार दिया कोई बम के तोड़ दिया। मुबली भाई साहब राम राम भाई साहब। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है। उठा ले रे बाबा उठा ले। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। शादी शादी आई एम अ डिस्को डांसर। आई एम अ डिस्को डांसर। भाई जी जल के बीचों बीच तैरता हुआ जल महल और एक तैरता हुआ घर। भाई बस रुक चुकी है लगभग एक डेढ़ घंटा चलने के बाद में। बाहर देखो यार कितना अंधेरा है। अंदर का माहौल दिखाता हूँ आपको। ओ भाई ये लाइटें वाइटें देखो पूरा महल लग रहा है सच में। ये देखो क्या क्यों क्या जब यार इतनी जगह इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद भी सो रहे हो बताओ यार। और बाहर हमारे क्या हाल हो रहा है सोचो। अब इनको थोड़ी देर रेस्ट करवाते हैं जब इनको नींद आने लगेगी ना फिर से परेशान करेंगे। जिनको उच गया आधा घंटा तो गाइस अब करते हैं कुछ खराब आती। डीजे वाले बाबू आ जाओ भाई। जब कहाँ से आए हो आप लोग किसने बुलाया आपको। अरे यार दूसरा लगाओ ना भाई। मशीन वशीन क्या क्या ला रखे। अरे तो भाई ऐसे सरप्राइज सोते आदमी को सरप्राइज ऐसे कौन देता है यार। अरे नाच लो रे आर्यन के ऊपर एक बार। बंद करो भाई साहब निकाल दो यार पाट दो भाई साहब बंद करो बस ले जाओ बहुत हो गया यार। अरे यार तबीयत खराब रखी है भाई यार। और अरे यार भाई साहब चले जाओ यार भाई प्लीज यार। खुद की नहीं हुई तभी तो गाना तो बड़ा अच्छा बजाते हो आप ऐसे हो रहा है। अच्छा वो ट्रैक आगे चला जा रहा है क्या वो पर मजा तो इसी में आता है। बस भाई साहब बंद कर दो यार अब। भाई लोगों ने यार क्या पार्टी वार्टी करी है यार पूरी नींद जो है वो खराब कर डाली है। चलो भाई फिर से सोने की कोशिश करते हैं। The next morning. Good morning guys. वह हो गई है। यहाँ पर शशि है वो दोनों लोग उस वाले सेक्शन में है उधर है दोनों वो। भाई हमको इसके अंदर 19:30 हो चुके हैं। भाई जनरेटर चालू हो चुका है। उठो सुबह हो गई। ये दोनों यहाँ पर सो रहे हैं मोहित और अंकित। अरे उठ जाओ सुबह हो गई। उठा उठा उठा। और आपको एक बार बाहर का माहौल दिखाता हूँ। ये खिड़की है और ये है भाई बाहर का माहौल।
भाई हमारे पास पता है कुछ सामान नहीं है और मेरा मन कर रहा है नहाने का, यहाँ पे बाथरूम है उसको यूज तो करे, तो पता है मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, कोई ऐप आती है बहुत सारी। टूथपेस्ट, ब्रश, दो फेस वॉश, एक चड्डी, एक साबुन। भाई 1590 रुपए का सामान हुआ है, पेमेंट कर रहा हूँ। ऑर्डर इज कंफर्म्ड। भाई करने को हमारे पास कुछ नहीं है और इसीलिए हम लोग खेलेंगे चेस। और अंकित मेरे को कल से चैलेंज कर रहा है कि मैं तेरे को हरा दूंगा चेस में। ये पकड़ गोटी, ये बन गया अपना चेस। एक घंटा हो गया तेरे को, मेरा पूरा सब कुछ सेट हो गया। एक गोटी एक्स्ट्रा, एक प्यादा। भाई एक चाल चलने का टाइम रहता है फिक्स। नहीं राजा को वो है, चेक बोलो ना। चेक है भाई, चेक बताओ मत यार। यार चल अपनी ही चाल। हां जी वेंडर से ऑर्डर था आपको। हां जी भाई साहब आ गए हो आप। खोलो भाई, खोलो खोलो खोलो, गेट खोलो। अरे यार मैं जीत रहा हूं। मोहित यार पागल से गया यार। मोहित ऐसे ऐसे कर दी सब जिंदगी का सबसे बोरिंग गेम है। अरे ब्लिंकिट मंगवाया था चाय बिस्कुट का सा आ गई। बोला तू बहुत भयंकर फंस गया था, अब यहाँ से तेरी ये काटता फिर वहां से वो काटता। और चड्डी आ गई है नहाने के लिए, तौलिया भी आ गया। अरे भाई इसमें चार ब्रश आ गई, एक तो ये रही, तीन ये रही। और ब्रश तो कर लो सारे, सूख ले लोगो। चाय तो पी लो। अरे बात सही है, चाय का टेस्ट खराब हो गया। अरे क्या क्या करूँ यार, एक साथ आ गया सब कुछ यार। बस क्या फिल्म बनाएगा पूरी, ऐसे ही रहना सिनेमैटिक ले लूँ थोड़ा सा। फाइनली ठंडे पानी से नहा रहे हैं। लेकिन भाई सोचो मैं एक बस के अंदर नहा रहा हूँ भाई। वैनिटी के अंदर स्नान का मजा। भाई हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि नहाने का सही तरीका क्या है, तो वो है भीजे कान हुए स्नान। यानी अगर आपके कान तक पानी पहुंच गया तो स्नान हो गया। थोड़ा पानी देना बात के लिए अमित भाई को भी अच्छा सा। मैं तो अपनी अंतरात्मा तक भी नहा लूंगा गाइस। मैं नहा लिया भाई। और अब मेरे को कोई भी नहा नहीं बोलेगा भीजे कान। कितना गंदा आदमी हूं मैं। दोस्तों हमारा एक घंटा और बचा है, आखिरी का 23 घंटे से हम इस वैनिटी के अंदर बंद है। और अब फिलहाल जो वैनिटी वो हमने वापस से क्लीन कर दी है, चलाएं क्या इसको थोड़ा सा और, इसको चलाते हैं गाइस। चलो चलो स्टार्ट करने के लिए बोलो, कॉल कर दो। दोस्तों अब हमारा टाइम कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट बची है। अब ऐसा फीलिंग होने लग गया कि यही हमारा घर है, यही हम पैदा हुए थे, यही रह रहे हैं, यही गाँव है, यही दुनिया है। भाई मोहित का रिश्ता आया है। ओए उठो, हो गया गाइस 24 घंटे हमको इस वैनिटी में कंप्लीट हो चुके हैं। भाई अब बारी है इस वैनिटी से विदाई लेने की। 24 घंटे हमने इसके अंदर बिता लिए भाई साहब। अब हमने जेन सेट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। और गाइस अब मैं उतरूंगा नीचे और खुली हवा में आपका स्वागत है। पता नहीं कहाँ रुकी है, हमको नहीं पता। हमारा जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ हमने जो है गाड़ी को रुकवा लिया। और गाइस ये मेरा पैर गया नीचे 24 घंटे कंप्लीट करके हाईवे पे। ये जो चैलेंज है भाई जा करके फिनिश हुआ। और दोस्तों हम इस बस में थे, इसका ये कैसे खुल गया? हमारी वैनिटी का जो टापा है मतलब आगे का ये जो है ये खुल चुका है। भाई अब जो है धूप में ज्यादा रहने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इतना देर से हम लोग अंदर थे। भाई इस बस के अंदर रहना जो है वो एक बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ये जो है मतलब कोई बहुत ख़राब वाला एक्सपीरियंस भी नहीं है। जनरली हमारे चैलेंज बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं था कि हम लोग परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और दूसरा कितनी अच्छी चीज़ हो जब हम कैद होते हैं ना तो वो जो फील होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। मैं कितनी बार ये चीज़ बोल चुका हूँ। तो फाइनली हमने सक्सेसफुली इसके अंदर जो अपना टाइम है 24 घंटे का वो गुजार करके चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। बस खड़ी है हाईवे पे, अब इसको भेजेंगे और हम लोग भी जाएंगे अपने घर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा। तो उसके लिए वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। सभी लोग यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप यार, प्लीज़ सब लोग कर लो। इतना मेहनत करते हैं, इतना मज़ेदार चीज़ें आपको दिखाते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूर से बनता है। पॉकेट ब्रोकर को चेकआउट करना भी बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो। तो ज़रूर से पॉकेट ब्रोकर को भी जो है चेकआउट कर लेना। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।